सहजनवा थाना क्षेत्र में दबंगों ने धीरज पांडे के ऊपर चलाई गोली। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सहजनवा थाने की पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में करवाया भर्ती, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि सूचना मिली एक व्यक्ति को दबंगों ने गोली मार दी है, जिसको अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। मृतक के साथी से बात की जा रही है, जिसमें अहम सुराग मिला है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। घटना में जो भी दोषी होगा उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, और जो धीरज पांडे नाम के व्यक्ति हैं, जो यहीं के स्थानीय निवासी हैं, उनको एक व्यक्ति द्वारा उनके ऊपर फायर किया गया है, जिस कारण से वो घायल हुए हैं। हॉस्पिटल ले जाते समय ये जानकारी हुई है कि उनकी दुखद मृत्यु हुई है। घटनास्थल का निरीक्षण हमारे और सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है। उनके परिजनों से बात की है, जो चश्मदीद जो मृतक के साथ दो व्यक्ति और थे उनके साथ ही, उनसे बात की गई है। काफी अहम जानकारी उन्होंने दी है। परिवारजनों द्वारा जो भी तहरीर उपलब्ध कराई जाएगी, तत्काल उसमें मुकदमा पंजीकृत कर और जो भी इसमें दोषी हैं, जिनका भी इसमें रोल है, सबके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई जल्दी हमारे द्वारा की जाएगी। सर कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? जितनी जल्दी पॉसिबल होगा हम गिरफ्तारी करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे।